नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसा न्यूज चैनल। इस वक्त हमारे साथ हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार सिंह हैं। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। लोग से कुछ बोलना नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव तो हमारे जनता कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जनता का चुनाव है। बोलने की मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं, अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, जनता खुद अपने लिए वोट मांग रही है। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हो चाहे कांग्रेस के, उन्होंने लंबी लंबी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन विनोद सिंह का वो कौन है जो स्टार प्रचारक है? मेरा कोई स्टार प्रचारक, मेरा स्टार प्रचारक मेरा जनता है, मेरा कार्यकर्ता है, वही मेरे स्टार प्रचारक है। अच्छा, जिस तरह से लोग यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हिंदू और मुस्लिम एकता आज से नहीं है, हम लोग के पूर्वजों से भी पहले से जो संबंध हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा के हिंदू मुस्लिम का बना है वो बराबर बना रहेगा। उसको खराब करने का लोग कोशिश करेंगे तो उसे खराब नहीं होगा, क्योंकि इतना जड़ गड़ा हुआ है दोनों का कि जल्दी टूटने की बात नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आपको कि लगातार आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और दिन पर दिन लोगों का आपके मतलब समर्थन में भी बढ़ता जा रहा है, मैंने कहा ना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे उनको अपने लड़ना है। उनकी सोच है कि पूरे पूरे विधानसभा में 81 विधानसभा में मेरा हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा से जो विधानसभा के जाए जीतकर, तो उसका एक अलग छाप हो कि लोग देखे कि हुसैनाबाद के लोग कैसे जीता के वहां से जनता वहां के कार्यकर्ता भेजे, ये सोच उनकी है। ये भी एक रोचक है कि इस बार भी आप निर्दलीय के रूप में आए हैं, इस बार भी आपको अंगूठी छाप मिला है, ये सब भगवान का देन है और जनता का देन है, उनका प्यार है, उसी से अंगूठी छाप मिला। और अंगूठी हर काम में मिलना शुभ होता है, किसी चीज की शुरुआत होती है तो अंगूठी से शुरुआत होती है, ये शुरुआत हो गई है। और जो तूफान जो देख रहे हैं ना, जितने दल हैं सब में दलदल है, निर्दल ही जो है वो साफ सुथरा छवि है, बाकी कहीं किसी दल में नहीं है। इस तूफान में सबके क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको जनता क्या बता रही है? जनता की समस्या बताने की जरूरत, मैं महसूस करता हूं कि जनता की समस्या क्या है। मैंने 20 साल से क्षेत्र में रहा हूं, मुझे एक एक गली एक एक गांव का जानकारी है कि कहां पर क्या है। जो मूलभूत समस्या यहां का है वो समय आने पर उनको पूरा होगा। मैं दूसरे जैसे बोल के और छोड़ देने वाले में से नहीं, मैं जो कहता हूँ करता हूँ, जो समस्या है वो जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं चुनाव को लेकर? कुछ नहीं, जनता से मैंने तो पहले ही बताया कि जनता से क्या करना, जो जनता खुद लड़ा तो मैं क्या अनुरोध करूंगा, ये लड़ाई जनता की है, पूरे हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा के सभी जनता की लड़ाई है, कोई निर्दल उदल की बात नहीं है, जनता चुनाव लड़ रहे, डिसीजन भी जनता को देना है, न्याय भी उन्हीं के पास है, जज भी वही है और वोटर वही है। अच्छा, जिस समय हम 2019 की बात करें तो उस समय 28-29 से वोट आपको मिलेगा, क्या रहेगा इस बार? इसमें 60 बार रहेगा। चाहते हैं जनता और कुछ कहना चाहते हैं? जनता से मैं ही जनता जानती है, मैं जनता से सभी से ही कहता हूँ कि आपके मान सम्मान हुसैनाबाद के हरियाणा विधानसभा के कहीं भी हमारे तरफ से नहीं होगा, ना हुसैनाबाद हरियाणा के नाम को कलंकित करेंगे, जो जनता कहेगी वही काम होगा, जनता इस चीज को जानती है। मैं 5 साल जिला परिषद उपाध्यक्ष रहा हूँ, 5 साल जिला परिषद भी रहा हूँ, मेरा काम करने का अनुभव जो है जनता को पता है। मैंने 283 पंचायत में काम किया और उस काम के ताकत पर भी हम आगे बढ़े, और सब चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल की ताकत कौन है तो जनता उपज करता है। लोगों में यह भी चर्चा है कि आप कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं कि जब हम उपाध्यक्ष थे हमने लगातार क्षेत्र में काम किया, लोग चौक चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं कि विनोद सिंह जब थे उपाध्यक्ष बहुत सारे काम किए थे, प्रत्याशी के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन उनको समर्थन नहीं कर, पार्टी उनको समर्थन नहीं कर रही है। पार्टी बहुत, अब पार्टी सारे लोग आए, जितनी पार्टियां जो देख रहे हैं सारे लोग मुझे ऑफर दिए थे, पूछ लीजिएगा, इसी चलते अंतिम में लोग का कैंडिडेट का डिसाइड किए, सारे दल वाले मुझे इनवाइट किए थे कि भाई आप आओ, मैंने सबको ठुकरा दिया, क्योंकि जनता का न्याय था। मैं अगर किसी दल को ज्वाइन कर लेता तो उसमें और मुझमें अंतर ही क्या रहता, मैं कभी दल नहीं बदला। मैंने कहा कि जब जनता ने अपने
ठुकरा नहीं सका और मैं अपने आप निधर पर खड़ा हो गया। देख रहे हैं कि हमने विगत दिनों देखा कि जिस तरह से आपके पीछे प्रशांत सिंह हो चाहे राजेश कर्ण हो, वो आपके समर्थन में घूम रहे थे लेकिन उनको पार्टी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया। आज वो आपके बीच नहीं दिख रहे हैं। सब है बीच में, तो आप नहीं देखे होंगे, सारे लोग हैं, 99% भाजपा के कार्यकर्ता मेरे साथ। आप उनकी स्टेज पर कौन किसको देखे होंगे बता दीजिए, क्या उनकी भीड़ देखे होंगे? नॉमिनेशन से लेके जितने लोग आए उनकी भीड़ और हमारा भीड़ पता चल गया, अभी भी 99% कार्यकर्ता मेरे साथ। लोग ये भी कह रहे कि जो भी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी जो सातों मंडल अध्यक्ष, वो सिर्फ वहाँ है लेकिन वो सपोर्ट में विनोद सिंह के। सही बात है, हमने तो कहा कि 99% है, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ, उनके साथ कौन है बताइए, कभी स्टेज पर किसी को देखा है? तो अगर देखा भी होगा तो दबाव में शरीर उनके साथ है, मन मेरे साथ।